हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। क्लास ट्वेल्थ हिंदी बोर्ड की कॉपी कैसे चेक की जाती है, आज की इस वीडियो में लाइव चेकिंग करेंगे। देख सकते हैं ये कॉपी है, पूरा लिखा हुआ आपको एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन। और बोर्ड एग्जाम में आपको 22 फरवरी को कॉपी कैसे लिख करके आना है, क्या सावधानियां बरतनी है कि आपका 98% हिंदी में आ जाए। आज की वीडियो देख लीजिए, बोर्ड टॉपर कॉपी, बोर्ड में जो टॉपर बनते हैं स्टूडेंट ऐसे ही लिखते हैं अपना कॉपी। आज की इस वीडियो में आपको लाइव चेक करके एक एक क्वेश्चन में कैसे नंबर कट जाता है, कहां पे नंबर जुड़ जाता है, आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट पे आपको बताने जा रहा हूं। तो बोर्ड टॉपर कॉपी ऐसे ही लिखते हैं और बोर्ड कॉपी लाइव चेकिंग करेंगे। आज की इस वीडियो में बोर्ड की जो कॉपी है ये, इसका लाइव चेकिंग करेंगे, एक एक प्रश्न को कैसे लीक करके कैसे रिप्रेजेंट करना है 22 फरवरी को कि आप 98% ला सकें। ऐसे कॉपी चेक होती है, जैसे कि आज की इस वीडियो में आपको क्लियर मालूम हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, मतलब कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो आप 98 यानी कि हिंदी में 98% ला सकते हैं, इंग्लिश में भी ला सकते हैं। इस फॉर्मेट को अप्लाई करके आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखते रहिए और प्यारा सा वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली आपको यहाँ पे हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले शुरू से अंत तक बने रहना है। अब देख सकते हैं ये है आपकी बोर्ड की कॉपी, ठीक है। आपको ये फर्स्ट पेज जो बोर्ड की कॉपी आती है, इसमें फर्स्ट पेज जो आता है पहले नंबर, ये तो आपको मालूम चल जाता है कि कैसे फिलअप करना है। रोल नंबर अंकों में, शब्दों में विषय क्या भरना है, हिंदी केवल प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो भी होता है सभी, ये तो आपको भरना पहले से ऑलरेडी मालूम हो गया होगा, तो ये तो ठीक है। इसमें कोई भी त्रुटि आपको नहीं करना है, इसमें ओवर राइटिंग भी नहीं करना है, दोबारा पेन से इसको लिखना भी नहीं है, काट कूट करके साफ साफ स्पष्ट एक ही बार में भरना है, ये सभी बच्चे पहले से अवगत हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए यहां से आपको सबसे पहले कॉपी में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है जब आपको टॉपर बनना होगा, तो ठीक है। सबसे पहले कॉपी में मार्जिन लाइन खींचना होता है। मार्जिन लाइन का मतलब देख लीजिए, साइड में जो लाइन खींची गई है ये स्केल के साइज का लेकर के खींचना है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, इस साइड से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कॉपी में स्केल से खींच लेते हैं मार्जिन लाइन। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है, वो समझता है कि बच्चा जो है मतलब कॉपी ज्यादा भरने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा लिख के कॉपी मतलब फुल कर दें, इससे इंप्रेशन डाउन हो जाता है। तो आप लोगों की सावधानी बरतनी है कि एक साइड मतलब कि लेफ्ट साइड में केवल आपको मार्जिन लाइन खींचना है, ठीक। इसके बाद अब पेपर में चलेंगे, पेपर में क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करके समझना है। सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे ना, तो हिंदी में दो खंड में पेपर आते हैं, खंड क में और खंड ख में। तो खंड क वाले प्रश्न जो होंगे खंड क में ही करना है और खंड ख वाले जो प्रश्न होंगे खंड ख में करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि खंड क वाले को ले जाकर के ख में कर देते हैं और ख वाले में से भी क में लेके आते हैं, इससे नंबर कट जाता है। तो यही चीजें एक एक चीज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, समझना है आपको कि दिक्कत ना आए 22 फरवरी को, ठीक। सबसे पहले कॉपी में क्या लिखेंगे, देखिए खंड क लिखेंगे, यहाँ पे चीजें समझते चलिए, खंड क लिखेंगे इस तरीके से। और आपको समय मिलता है तो आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, बेस्ट दिखेगी, सभी बच्चों में से आपकी कॉपी यूनिक होगी। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या स्टार्ट होता है तो प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल लीजिएगा एक नंबर। अब एक नंबर डालेंगे जब से तो इसमें बहुविकल्पी आता है, क्योंकि गद्य साहित्य में 5 बहुविकल्पी आता है, इसमें एक नंबर जैसे कि डाल दीजिए इस तरीके से, क ख ग घ अंग, यानी 5 बहुविकल्पी हो गया। जो भी उत्तर है ना, केवल आपको पहला का क लिख के और जो ऑप्शन है सही उस ऑप्शन को उतार देना है। इस तरीके से 5 बहुविकल्पी जो है गद्य साहित्य का पहला प्रश्न में से इसी फॉर्मेट में लिख देना है। आप देखिए अच्छे से लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसी तरीके से एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, बढ़िया से आप रिप्रेजेंट करना सीख लीजिए बस। आप देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो दूसरा होगा इसी टाइप से लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 2 इस तरीके से बाबू लिखना है। और यहाँ पे 2 नंबर का क लिखेंगे, ख लिखेंगे, ग लिखेंगे, इसके बाद घ लिखेंगे, अंग, यानी जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं सभी छोड़ना नहीं है, गलत या सही लिख के आना ही है, क्योंकि आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि कोई भी प्रश्न गलत ना हो। इस तरीके से 5ों का भी लिख लेंगे जो ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 और 5 करके कितने कितने नंबर मिलते जाएंगे, 5-5 नंबर के दोनों है, एक भी नंबर नहीं कटा है, क्योंकि बहुविकल्पी में नंबर कटने का चांस ही नहीं होता है। जो आप ऑप्शन देंगे वो सही होगा, अगर गलती करते हैं तो आपका नंबर कट जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा बहुविकल्पी में ज्यादा गलती मत कीजिएगा। इसके बाद चलते हैं,
अगला प्रश्न देखिए, यहां से जो पेपर में आएगा आप तीसरा नंबर से स्टार्ट होगा ना, दो नंबर तक कर लिए, अब तीसरा नंबर प्रश्नोत्तर संख्या डालना है आपको तीन, ऐसे डालना है ठीक है। और देखिए प्रश्नोत्तर संख्या तीन में जो आता है ये गद्य से रिलेटेड प्रश्न आता है, गद्यांश सॉल्व करने के लिए आता है और गद्यांश में दो गद्यांश दिया होता है, एक को करना है एक को छोड़ देना है, दस नंबर का ये आता है ठीक है। जैसे कि देखिए आपको गद्यांश में क्या करना है कि जो गद्यांश आपको आ रहा है उसका संकेत डाल देना है, यहाँ पे संकेत डाल देंगे जैसे कि जन का प्रवाह डॉट डॉट करके लास्ट वाला वर्ड उठाइए, निर्माण करना होता है, इस तरीके से लिख लीजिए। जो गद्यांश में प्रश्न पूछेगा उस प्रश्नों को लाइन वाइज लाइन कर देना है, जैसे कि सभी प्रश्नों को एक दो तीन सीरियल वाइज करके यहां तक आखिरी तक करना है आपको, तो बढ़िया से अगर लिखेंगे मतलब कि सिस्टमेटिक से तो यहां पे एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इस फॉर्मेट में लिख के आना है पूरा, इस तरीके से आपका यहां पे 10 नंबर मिल जाएगा क्योंकि गद्यांश 10 नंबर का पेपर में पूछा जाता है ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न समझ लीजिए कैसे लिखना है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 4 जो है ये पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, आपको पद्यांश दिया रहेगा और उस पद्यांश में 5 प्रश्न रहेंगे जिसका जवाब देना है और दो दो नंबर के पर क्वेश्चन रहेगा, इससे प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख लेंगे ठीक है। और यहाँ पे किस पद्यांश को आप कर रहे हैं, दो पद्यांश दिया रहेगा एक अथवा में एक मेन में, दोनों में से किस पद्यांश को कर रहे हैं आप संकेत के थ्रू बता सकते हैं, जैसे कि मेरे प्यारे डॉट डॉट करके तू सुना दे, इतना आपको अच्छे से संकेत लिख लेना है ठीक है ना। इसके बाद आप जो भी मतलब कि पद्यांश में प्रश्न पूछे रहेगा उसको क्रमवाइज कर देना है ठीक है। जैसे पहला में प्रश्न पूछा होगा तो इसका मैं मॉडल पेपर का सोल्यूशन बता रहा हूँ इस कॉपी के थ्रू कि इसको कैसे करेंगे पेपर में रिप्रेजेंट कॉपी 22 फरवरी को, तो इस तरीके से सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कैसे आंसर लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है उसका, तो इस तरीके से हेडिंग डाल लेना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या और अंडरलाइन भी कर देना है, इसी तरीके से एक भी नंबर नहीं कटेगा, कहाँ पे नंबर कटता है अभी आगे हम बताएंगे, वहां पे सावधानी बरतनी है, 22 फरवरी को अच्छे से आपको कॉपी लिख के आना है ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे 5 नंबर तक क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे इसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे सबका जवाब लिख देंगे, यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे भी मिल जाएगा पद्यांश से भी ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे ये आता है आपका जीवन पर्चे, लेखक का कवि का दोनों का आता है ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में हाइलाइटर का यूज करना है कि नहीं, बहुत बच्चे को जानकारी नहीं होता है और यूज करके आते हैं कॉपी में तो नंबर कट जाता है, तो ये अलाउड नहीं है बोर्ड एग्जाम के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये मार्जिन जो लाइन खींचा हुआ होता है कॉपी में इसके ऊपर भी प्रश्नोत्तर संख्या डालते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, मैं इसीलिए लिखा हूं ताकि आपको इस समय ध्यान दिला सकूं। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 जो कि आएगा ना, ये आपका कवि सॉरी लेखक का जीवन पर्ची आएगा लिखने के लिए, तो आपको ये मार्जिन लाइन के नीचे लिखना है ठीक है ना, इस तरीके से नहीं लिखना, ये जो रेड कलर का मार्जिन लाइन है इसके नीचे प्रश्नोत्तर संख्या डालना है और किनके बारे में आप जीवन पर्ची लिख रहे हैं उनका यहाँ पे नाम लिख देना है ठीक। नीचे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में लिख रहे हैं ठीक है, इस तरीके से जैसे कि आप देखिए जीवन पर्ची हेडिंग डालेंगे, जीवन पर्ची लिखेंगे अब बढ़िया से इस तरीके से, मेन मेन क्या चीज होता है जीवन पर्ची में, उनका जन्म किस सन में हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम है, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये जो सन है ना इसको ब्लैक पेन से बस लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी ब्लू पेन और ब्लैक पेन से ही लिखना है, इसके अलावा किसी भी पेन से नहीं लिखना है। जैसे ये हाइलाइटर का यूज किया गया है तो आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं करना है ठीक है, क्योंकि अलाउ नहीं है, अगर आप ऐसे कर देंगे तो आपका नंबर कट ही जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है कि मैं ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करने के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से लिखेंगे तो ये जीवन पर्चे, जीवन पर्चे पर आपको 3 नंबर तो यहाँ पे मिल जाएगा, और साहित्यिक पर्चे जो होता है देख रहे हैं ना, साहित्यिक पर्चे इसी को बोलते हैं साहित्यिक योगदान के आगे भी इसमें पूरा अच्छे से लिख लेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए देख लीजिए, इस तरीके से लिखना है पूरा जो भी है जीवन पर्चे में, कृतियां है उनकी, निबंध संग्रह, साहित्य में स्थान, ये सभी लिख देंगे तो आपको 5 नंबर टोटल करके, यहाँ पे 2 नंबर और प्लस 3 नंबर साहित्यिक पर्चे, और मतलब टोटली करके जीवन पर्चे लेखक का 5 नंबर का मिलेगा। कहाँ नंबर कट जाएगा ये आगे हम अभी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 के अब ख, ये जो आता है आपका कितना नंबर का, ये भी 5 ही नंबर का, क्योंकि देख लीजिए ये कवि का जीवन पर्ची लिखने के लिए आता है, और कैसे लिखना है जैसे मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन पर्ची लिख रहे हैं तो जीवन पर्ची हेडिंग डाल लीजिएगा, और पेपर में आपको ये रेड पेन दिख रहा है ना, रेड पेन से आपको हाईलाइट नहीं करना है, बस ब्लैक पेन ध्यान रखना है हमेशा और ब्लू पेन से लिखना है इसको ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिखना है,
तो यहाँ पे अच्छे से इनको लिख लीजिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा क्योंकि जीवन पर्ची पे 3 नंबर और साहित्यिक सेवाएं जो होती है इस पे 2 नंबर मिलता है। तो टोटल 3 और +2 जोड़ेंगे तो 5 नंबर का हो जाएगा कवि का जीवन पर्ची। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो 6 आएगा, प्रश्न संख्या जो 6 आएगा, ये मतलब कि किसी सारांश लिखने के लिए आता है या कथा वस्तु पर कहानी लिखने के लिए आता है। तो जैसे पंचलाइट के बारे में लिखना है, क्योंकि आप सभी लोग तैयारी करके रखे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे इसको लिखना है, किस फॉर्मेट में। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा यहाँ से। तो जिसके बारे में लिख रहे हैं सबसे पहले उसको टॉप में हेडिंग लगा लीजिए। जैसे पंचलाइट के बारे में लिखना है तो ऐसे हेडिंग लगा लीजिए और उस पंचलाइट के बारे में यहाँ पे जो भी सारांश है उसका लिख दीजिए। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसी तरीके से बहुत अच्छे से स्पेस दे देकर के अच्छे से लिखना है। और हाँ, आपको लास्ट में ये भी चीज बताएंगे कि जो कॉपी होगी बोर्ड एग्जाम की, यहाँ पे लास्ट में RN डालना है। क्यों डालना है ये जानकारी अभी हम बताएंगे। पहले कॉपी का चेकिंग देख लीजिए। तो यहाँ पे पंचलाइट के बारे में लिखेंगे, अभी और आगे लिखेंगे, ये इतना से नहीं होने वाला है क्योंकि पूरी कहानी लिखेंगे तब जाके आपको 5 नंबर मिल पाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से पूरे लिखेंगे, अस्पष्ट और पूरा लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएगा। 1 भी नंबर कटने वाला नहीं है, बस साफ साफ लिखिएगा टॉपर बनना है। तो आगे बात करते हैं। यहाँ से आप देखिए, मैं यहाँ पे 6 नंबर तक लिखा हूँ, इसके बाद 7 नंबर ये जो कॉपी है, प्रश्न संख्या 7 जो आता है, ये आपके जिले वाइज प्रश्न आता है कि किस जिले से हैं, उस जिले के हिसाब से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किस जिले से हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा प्रश्न आएगा। ठीक, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि देखिए आप किस जिले से हैं जानकारी पहले से नहीं थी। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं इस जिले से हूँ, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब पेपर में जो आएगा, अब खंड क खत्म हो चुका है, आपको ध्यान रखना है कि खंड क के जितने भी प्रश्न आप किए हैं खंड क में ही करना है। अब यहां से नया आपका खंड स्टार्ट होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको कि नए मतलब नए पृष्ठ से स्टार्ट करना है। नया खंड जो स्टार्ट करेंगे वो नए पृष्ठ से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि आधा बीच में से मतलब कि खत्म हो गया खंड क तो यहाँ से खंड ख स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे नया पृष्ठ से स्टार्ट करना है नया खंड। ठीक, जैसे कि खंड ख हो गया, अब खंड ख स्टार्ट करेंगे तो इसमें कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। चलिए, इसे प्रश्नोत्तर संख्या 8 से स्टार्ट हुआ। ठीक, 8 नंबर जो प्रश्न आता है ये संस्कृत में गद्यांश दिया रहता है और उसको क्या करना होता है, उस गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है और उसी को हिंदी में अनुवाद कर देना होता है, तो 7 नंबर मिल जाता है। जैसे देख सकते हैं, जब संस्कृत का एक गद्यांश सॉल्यूशन किया गया है कि संकेत में कि संस्कृतस्य साहित्यम .. और वर्तित नयात्र तादृशी, इस संस्कृत के गद्यांश को सॉल्व किया गया है, तो इसी तरीके से आप भी करेंगे। अब क्या करेंगे, इस संस्कृत का जो गद्यांश है उसका संदर्भ लिखेंगे इस तरीके से। संदर्भ में पूरे अच्छे से लिख देना है, जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में, ये जो है संस्कृत भाग, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा और में संकलित संस्कृत भाषाया, ये पाठ का नाम है, इसको भी ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा। और महत्तम संस्कृत भाषायम महत्तम, ये पाठ का नाम है, नामक पाठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। तो यहाँ पे संदर्भ आपने लिख लिया तो कितने नंबर का काम हो गया, 2 नंबर। अब क्या करना है, जो गद्यांश दिया है संस्कृत का आप हल कर रहे हैं, उस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, जैसे कि अनुवाद यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे पूरे जो संस्कृत का गद्यांश उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, कितने नंबर का हो गया क्वेश्चन, 5 + 2 कितना, 7 नंबर केवल संस्कृत का गद्यांश। अब संस्कृत का पद्यांश भी करना है, वो भी 7 ही नंबर का। देखिए ये खंड मतलब ख के यहां से स्टार्ट होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 8 के ख में। ठीक है, ये संस्कृत का श्लोक भी कह सकते हैं, पद्यांश भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप किसी पद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं, वो भी मेन में और अथवा में दो में दिया रहेगा, किसी एक को करेंगे तो यहाँ पे संकेत लिख देंगे कि हाँ मैं इस पद्यांश को सॉल्व को किया हूं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बेती जाति, यहाँ पे पदार्थ नांत्र और यहाँ पे .. चंद्रकांता, इसको किया गया है इस श्लोक को, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, इस श्लोक का पहले नंबर संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है।
ठीक है ना। तो आपको जानकारी पहले से मालूम चल गया हाँ कि ये जो पद्यांश श्लोक दिया है 21 पार्ट से दिया है, इस पार्ट को ब्लैक पेन से लिख लेना है और इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आप क्या करेंगे उस श्लोक का हिंदी में अनुवाद कर देंगे, जिससे अनुवाद यहाँ पे कि पूरे अच्छे से लिख देंगे तो यहाँ पे भी 5 नंबर टोटल करेंगे इस श्लोक से आपको कितने नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर ऐसे ही मिलता है। अगर बाय द वे थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो 1 नंबर यहाँ पे काट देगा एग्जामिनर, अगर अच्छे से साफ साफ थोड़ा स्पेस दे दे करके लिखेंगे तो फुल नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या 9, यहाँ से 9 नंबर स्टार्ट होता है प्रश्न संख्या। ठीक है, जैसे प्रश्न संख्या 9 में प्रश्न पूछे जाता है कि मुहावरा लोकोक्तियां दे देगा, ठीक है, और उसमें से किसी 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से किसी एक विकल्प को चयन करके उसका अर्थ लिखना होता है और उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है, तब जाके 2 नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे कि दिया है पहले नंबर में लिखा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका पहले तो अर्थ लिखेंगे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, तो ये हो गया इसका अर्थ, इस हाथ कंगन को आरसी क्या इसका अर्थ हो गया। अब इसी चीज को वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो वाक्य में प्रयोग हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कार चलाकर अच्छे चालक का प्रमाण दे दो क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो अब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो टॉपर की ऐसे ही मतलब पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से देखिए, यहां से क्वेश्चन नंबर जो आपको देखने को मिल रहा है प्रश्न संख्या 10, ये प्रश्न संख्या आपको 10 नंबर बाबू देखिए 10 के क, यहाँ पे आपको नया सिलेबस में जो चेंजिंग किया गया है 2024 के बच्चों के लिए क्या बताया गया है कि अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उस अपठित गद्यांश और पद्यांश में से किसी एक को करना होगा और उस पद्यांश को पढ़ेंगे या उस गद्यांश को पढ़ेंगे और उसमें 5 प्रश्न रहेंगे, सॉरी 3 प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न को करना है। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पे गद्यांश को सॉल्व किया गया है तो संकेत डाल दिया गया है कि यह कहना एक डॉट डॉट करके से ऊपर उठ जाए, ये एक गद्यांश है और इस गद्यांश में जो भी प्रश्न 3 पूछे जाएंगे इस फॉर्मेट में प्रश्न उत्तर लिखना है। जैसे कि लेखक के अनुसार वास्तव में अच्छा असंतोष लोभ आदि के कारण समाज में शोषण कुटिलता अत्याचार भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहित मिलता है, तो ये पहला हो गया। इसके बाद मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दूसरा छोड़ा हूं इसलिए कि आपको पेपर में कोई प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे छोड़ देंगे तो आपका वहीं पे नंबर कट जाएगा, इसलिए मैं वही चीज छोड़ा हूं कि आपको वो बता सकूं, उस समय याद दिला सकूं कि आप भी ऐसे बोर्ड एग्जाम में गलती मत कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ बना के इसमें लिखेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेटेड उससे मिलता जुलता यहाँ पे लिखेंगे, इसको खाली नहीं छोड़ना है नहीं तो इसीलिए नंबर कट जाता है। तो एक एक चीज आप बनाकर भी लिख सकते हैं जो याद नहीं है लेकिन छोड़ के नहीं आना है। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया तब जाके आपको यहाँ पे कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, देख लीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। आगे प्रश्न स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 11 से, 11 के क में देखिए प्रश्न पूछा जाएगा इस तरीके से, पूछेगा ना कि शब्द अर्थ बताइए, सही शब्द अर्थ का चयन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे चयन किया गया है 11 का, देखिए पहला विकल्प है सी नंबर, उसमें का ऑप्शन सही है वस्त्र और आदत, ये इसी तरीके से आपको भी छाप के आना है। 11 का सी देखिए यहाँ पे, ये भी सही है, कमल और बादल ये दोनों को करना था तो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अब 12 नंबर क्वेश्चन पे भी चलेंगे, तो पहले 11 कंप्लीट हो जाए इसके बाद ही चलेंगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए प्रश्न उत्तर संख्या 11 के ख में, इसमें पूछा जाएगा एक प्रश्न दे देगा, पूछेगा कि अनेकार्थी बताइए, इसका मतलब कि पर्यायवाची शब्द, 3 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको किसी 3 में से एक को चयन करना है और उस शब्द का 2 अर्थ लिख देना है। जैसे कि 3 में से 1 को चयन किया गया है, पहला ही है अंबर, अंबर का 2 अर्थ बता देना, अंबर का मतलब होता है आकाश और एक लिखेंगे अवस्त्र, 2 ही लिखना है आपको नंबर मिल जाएगा, इस तरीके से लिखना है। ठीक है ना, अगला प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या 11 ग नंबर, इसमें देखिए मतलब कि इसको बोलते हैं ना कि अनेक शब्दों का जवाब एक शब्द में देना, इसको अनेक शब्दों का एक शब्द में आंसर देना है, तो वही चीज है 11 का ग नंबर का पहला और दो क्वेश्चन रहेंगे, दोनों का आंसर इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न कंटिन्यू होता है यहां पे, देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 11 के घ पे, इसमें भी
शुद्ध अशुद्ध जो होता है ना, पेपर में आप पढ़े होंगे कि शुद्ध वाक्य मतलब अशुद्ध दिया रहेगा, अशुद्ध गलत फलत उसको शुद्ध करके अपने कॉपी में लिखना होता है। यहाँ पे दो प्रश्नों को किया गया है, ठीक है, दो को करना होता है, दो को छोड़ देना होता है, इसी फॉर्मेट में आपको अच्छे से लिख के आना है। इसके बाद यहां से प्रश्न उत्तर संख्या 12 स्टार्ट हो रहा है। 12 नंबर जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बहुत बच्चे को गलती ये हो जाती है कि ये अथवा वाला क्या होता है, कैसे इसको कॉपी में लिख के आना होता है, जानकारी तो पहले से होती नहीं है, तो ये चीजें समझ लीजिए। जैसे कि प्रश्न संख्या 12 में आपको रस से पूछेगा, ठीक है ना, रस में दो ऑप्शन रहेंगे, हास्य रस करुण रस। तो मान लीजिए कि आप कौन सा कर रहे हैं, हास्य रस मान लीजिए कि दे दिया है अथवा के रूप में, तो आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 12 के क और अथवा यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, अथवा लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका हेडिंग डालेंगे हास्य रस, हास्य रस हो जाएगा। इसका क्या क्या करना होता है, पहले नंबर परिभाषा लिखना होता है इसका, ठीक, इसके बाद स्पष्टीकरण यानी कि उदाहरण भी दे देंगे तो हो जाएगा। हास्य रस का परिभाषा लिख देंगे इस तरीके से, आपको यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे उदाहरण जब लिखेंगे तो फिर एक नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे दो नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है, उदाहरण बढ़िया से लिख दीजिएगा, दो नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 12 के अब ख पे आ गए हैं, 12 के कहाँ पे चलेंगे, ख पे। ख में देखिए जिससे अलंकार दिया है, तो श्लेष्म अलंकार को लिखा गया इस कॉपी में, तो श्लेष्म अलंकार लिखेंगे पूरा अच्छे से, इसका परिभाषा डिफाइन करेंगे, इसके बाद उदाहरण भी देंगे इसका, इसके बाद श्लेष्म अलंकार का स्पष्टीकरण भी करेंगे कि कैसे ये पहचान आएगा कि हाँ ये श्लेष्म अलंकार है, तो अब जाके एक नंबर जोड़ेगा तो दो नंबर का ये श्लेष्म अलंकार आता है, तो इसको बढ़िया से तैयार कर लेना। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे 12 के ग पे, ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, 12 प्रश्नोत्तर संख्या 12 के ग, ठीक है। अब इसमें दोहा पूछा जाएगा, यानी कि छंद से, जैसे दोहा ये छंद हो गया, तो दोहा के बारे में लिखा गया है, तो दोहा में सबसे पहले दोहा का जितने भी परिभाषा है अच्छे से साफ साफ लिख देना है, इसके बाद इसका उदाहरण भी छाप देना है, जो भी है उदाहरण बढ़िया से लिख देंगे, एक नंबर दोहा की परिभाषा पे मिल गया और एक नंबर आपका उदाहरण जो दिए इसका, एक प्लस एक दो नंबर यहां से, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 में क ख ग तीनों मिलके 6 नंबर का प्रश्न आएगा, ये बढ़िया से तैयारी करके जाना, ये 100% सिक्योर है कि यही आएगा। इसके बाद आपका पत्र लेखन आता है, क्या आता है, पत्र लेखन, समझ लीजिए मैं बता रहा हूं। इसके बाद 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न में क्या आएगा बाबू, प्रश्न संख्या आपको 13 में, ध्यान दीजिए मेरी बात को, यहाँ पे समझिए, देखिए प्रश्न संख्या जो आएगा आपका 13 नंबर, ये पत्र लेखन आता है, क्या आता है, पत्र लेखन, पत्र लेखन ये 6 नंबर का आता है, क्या आता है, 6 नंबर का। और मैंने बताया है कि कैसे किस तरीके से पत्र लिखना है कि एक भी नंबर ना कटे, 6 हमें 6 मिल जाए, इसका वीडियो एक प्रश्न मैं आज ही सुबह को डाला हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, या वीडियो जो है पहले ही आपको दिख जाएगी, क्योंकि उसमें दो IMP पत्र लेखन बताया हूँ, दो मस्ट, जो कि 100% उसका आना फिक्स है, 100% आएंगे वो पेपर में, ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 के बाद 13 हो गया, और प्रश्न संख्या 14 समझिए, प्रश्न संख्या 14 में क्या है और कैसे लिखना है, यहीं पे नंबर कट जाता है बहुत बच्चों का, ठीक है। प्रश्न संख्या जो 14 आता है, ये आता है निबंध लेखन, क्या आता है, ये निबंध लेखन आता है, देखिए ध्यान समझिए, निबंध लेखन, निबंध लेखन को कैसे लिखना है, जिस बच्चे को मान लीजिए कि तैयारी नहीं हो रहा है, क्योंकि कठिन थोड़ा सा टॉपिक है निबंध लेखन वाला टॉपिक जो है, थोड़ा और टाइप का है, याद करने में दिक्कत होती है, तो बताइए, जिसे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखना है, किसके बारे में, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको इस टॉपिक पे लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये क्योंकि 9 नंबर का ये प्रश्न आता है, ये 9 नंबर का टॉपिक है, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगी, थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपका नंबर कट के सीधे 5 या 6 नंबर दे देता है एग्जामिनर, तो आपको सावधानी रखना है कि पेपर में ये प्रश्न छूटे ना, क्योंकि आपका ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर वाला प्रश्न के ठीक बाद ही 9 नंबर पे ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा नंबर का है, और क्योंकि एक ही टॉपिक के बारे में है, तो आपको इससे कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखना है, तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक के जितने भी हेडिंग्स हैं उसको पहले अच्छे से पढ़ लेना, एक बार टॉपिक्स का जो भी हेडिंग्स है याद कर लीजिएगा, और उस टॉपिक के हेडिंग के अनुसार, जो कि हेडिंग है पहले कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है, कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है,
तो उसके बारे में आप जब हेडिंग आप याद रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा से अपने से भी बना के उसी से रिलेटेड लिख देंगे तो आपका प्रश्न ये पेपर में छूटेगा नहीं और 9 नंबर के जगह पे 7 नंबर मिल जाएगा। अगर याद नहीं है तब की बात कर रहा हूँ, याद है तो आप अच्छे से हेडिंग लगा लगा कर अच्छे से स्पेस देकर के लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस फॉर्मेट में जिस तरीके से बताया हूँ अगर लिखते हैं तो आपका हिंदी में 98% आएगा, ठीक है। 98% 100 में से आप मतलब कि कितना परसेंट ला देंगे, हिंदी में 98 नंबर लाएंगे। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि सर हिंदी हो गया, इंग्लिश का भी कॉपी बताइए, इंग्लिश की कॉपी बताइए कि कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी है, कैसे प्रश्न को कितना टाइम दें, ये सारी चीज इंग्लिश में बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर देता हूं टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम में जाइएगा और वहां पे डीके सर क्लासेस सर्च कीजिएगा। डीके सर क्लासेस जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम पे भी आ जाएगा चैनल, ठीक है। इसके बाद व्हाट्सएप का जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां पे जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ सेंड कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख करके तैयारी कीजिए। और मिलते हैं इंग्लिश की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।